Tea estate workers of North Bengal, especially in Darjeeling, Terai and Duars region, threatened to boycott the upcoming state elections. हम लोग तो सोच रहे हैं कि इस पर वोट नहीं देंगे क्योंकि वोट आने से सब नेता आता है, सीपीएम आता है, टीएमसी आता है, बहुत प्रकार का जो राजनीति है सब आता है, लेकिन जब वोट चला जाता है तब कोई नहीं आता है। हम लोग का जो सुख सुविधा है सब तो पहले बोलते हैं कि देंगे देंगे, लेकिन कोई नहीं देता है। हम लोग को बोलता है हाजिरी कमती है, आप लोग कितना बार बोले कि हम लोग को हाजिरी बढ़ाओ, बाढ़ी बढ़ाओ, हाजिरी बढ़ाओ, लेकिन कोई नहीं बढ़ाता है। उसके बाद में जब हम लोग को जो राशन पानी मिलता था बगन से, अभी वो बंद हो गया है, वो बंद हो गया है। जो नॉन वर्कर है वो लोग को भी राशन नहीं देता है, वो लोग को नहीं मिल रहा है। अभी पानी कितना सुजलता है, अभी बंद हो गया, पानी के लिए कितना असुविधा हो जाता है। हम लोग को बगान से आते हैं, फिर टंकी जाता है, तब लेके आते हैं, तब खाते हैं, ऐसा वाला हो गया। नदी पर खुल लाइन पुल, पुल में ऐसा बरसात में ऐसा हो गया है कि जो पुले नहीं है, बरसात में ऐसे घूम करके आते हैं तब जाके यहाँ पर पति तोड़ने आते हैं। बरसात में इतना असुविधा हो जाता है हम लोग को। तब अभी वोट आए हैं तब नेता लोग आएंगे, हम बोलेंगे कि हम लोग पुल बना देंगे वोट जाने से। हाँ, वोट जाने के बाद में कोई नहीं आता है। हम लोग जो सुबह से शाम तक चा बगान के अंदर काम करते हैं उसको मिनिमम वेज, उसको एक स्ट्रक्चर के अंदर लाना है, उसको जो मिल रहा है ये सफिशेंट नहीं है। हर चीज़ का दाम बढ़ता है, हर चीज़ का ये बाहर का प्राइस वैल्यू इतना इंक्रीज कर रहा है, लेकिन वर्कर्स का जो अपना मूल्य है, जो पसीना का मूल्य है, वो सही तरह से नहीं मिल रहा है। तो ये बिल्कुल नाजायज है, ये कोई इनका मिनिमम अपना जो एज पर द आईएलओ गाइडलाइन जो मैंने 2700 कैलोरी का वो दैनिक दिन चाहिए, इतना भी वो इसका परिवार भी नहीं चला पा रहे। तो ये एकदम सा मिनिमम, ये कोई ऐसे मैंने इसका कोई अच्छा ये नहीं है। ये दो मैंने 122 हो, 150 में हो या जो भी हो, अभी जो मैंने मौजूदा हालत में एकदम बिल्कुल सही नहीं है। Tea factories in the region have remained closed for a long time due to variety of problems, both administrative and financial, which include lack of investment, increasing costs and dropping prices. Correspondent Tarak from Siliguri for ANI.